पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी है हमारे पास, अच्छा। सबसे हमारे पास है। में पाकिस्तान जो माली का नहीं कर सकता इतने मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं इतने ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर में इशू है इंडिया को चाइना को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि एक आधा कॉन्फ्लिक्ट एक आधा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए पिछले तकरीबन पाँच साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामला को नॉर्मलाइज करने में लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ इंडिया इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना बट इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद पाकिस्तान चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं ये है वो बड़ा डिफरेंस इसीलिए इंडिया ने तकरीबन पच्चीस एक राउंड जो है वो किए हैं उसकी एक वजह ये भी हो सकती है इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले सत्तर साल का मसला है और हमने बहुत दफा कोशिश भी की बहुत दफा पाकिस्तान ने भी कोशिश की तो मसले सॉल्व नहीं हुए तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डाले जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और अगर ये चीज सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रही जाए रहे क्योंकि ये भी एक ता है कि कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं और उसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गाँव एल के ऊपर बना लिए हैं तो ये सारी चीजें मौजूद हैं बहरहाल आ, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो एल है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसंगेजमेंट कर सके हैं सो so, ये आप समझ लें आ, वो जो इलाके हैं ना डैम चौक एंड डेपसॉन्ग के वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग हो गई सो so, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको वो कि ये सारा कुछ इंडिया के एम ने नहीं किया ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी चाइना के साथ आपको सबर के साथ चीजों को करना पड़ता है आप एब्रप्टली चीजों को मैनेज नहीं कर सकते 2020 से पहले 2014 से लेके 20 तक 18 दफा मोदी साहब और सीजिंग जिंग मिले 18 दफा मिले और उनको शायद यह था कि मोदी को मैं चीजें चाइना के साथ मैनेज कर लूंगा वो जो जादू की जब ही मोदी साहब डालते थे वो नहीं चली चाइना भाई एक डिफरेंट प्लेयर है चाइना बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है बिल्कुल ही ठीक है जी ठीक है जी बहुत जिसे कहते हैं ना डिफरेंट प्लेयर है बहुत डिफरेंट प्लेयर है वो आसान काम नहीं है वो चाइना से डील करना डिफिकल्टी सेंस में ना बिकॉज उनको पता है कि हमें वहां अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं है उन्होंने पांच साल के बाद जाके के सामने तो पेश नहीं होना होता उनको तो इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि हमसे क्या पूछेंगे जो शी जिनपिंग करेंगे शी जिनपिंग फैसला करेंगे वो पहले दस साल उन्होंने रूल किया है चौदह से चौबीस अगले दस का भी उन्होंने कर लिया किसी को क्या प्रॉब्लम है कौन बोल सकता है जी इस हवाले से कौन उनको कह सकता है कि पाए करो तो नॉट नॉट समथिंग विच अदर नेशंस और इवन इंटरनली कैन आस्क उनको पूछ ही नहीं सकता उनसे ये कोई बात ही नहीं कर सकता सो इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए ये वो कहते हैं ये 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 इंडिया की पोजीशन है अगर ये इंडिया की पोजीशन है और uh, uh, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है भैया इस वजह से कि uh, इंडिया को uh,

झगड़े होते थे लड़ाइयाँ होती थी बंदे आ, मरते थे दोनों साइड पे तो जाता था दुनिया को वो क्या जाता था? कि यार वो आ, इंडिया के तो बॉर्डर पे जंग रहती है पाकिस्तान के साथ भी चाइना के साथ भी इंडिया ने जो इंडिया को सूट करता था पाकिस्तान के साथ एल के साथ मामला को ठीक कर लेना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ

इंडिया ने किसी और टॉपिक पे आपके साथ बात भी नहीं की एक ही उन्होंने आपसे बात की है एक ही उन्होंने आपके साथ बात की है और वो क्या बात है वो ये वाली कि वो एल कर लो बाकी कोई जरूरत नहीं है तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि वीडियो को आपने देखा है और जो खबर है वो भी आपने सुनी होगी कि भारत और चाइना के बीच में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है 2020 की जो स्थिति थी एल के ऊपर उसी के ऊपर दोनों देश जो है ना वो वापस लौट जाएंगे उसके बाद जो कुछ भी हुआ जो चाइना ने एग्रेशन दिखाया जो भी सेनाएँ आमने सामने आई वो सारे जो मसले थे उनको शॉर्ट आउट कर दिया गया है और अब ये जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि दो वाली जो स्थिति थी, थी उसके पहले वाली जो स्थिति थी वहाँ पर जो है ना दोनों देश की सेनाएँ जो है ना वापस लौट जाएगी अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के रोल की बात करें तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि एल के ऊपर भी भारत ने जो है ना पाकिस्तान के साथ अभी कुछ सालों पहले जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो किया था तो अब पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने जो है ना अपना फ़ायदा देखा और पाकिस्तान के साथ जो एल के ऊपर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है वो तो कर लिया लेकिन उसके बाद फिर भारत ने जो है ना पाकिस्तान को कोई भी लिफ्ट नहीं कराई और कोई भी बातचीत भारत जो है ना पाकिस्तान के साथ करना ही नहीं चाहता है जबकि भारत जो है ना चाइना के साथ जो है ना अपने जो भी इश्यू हैं उनको जो है ना बातचीत के ज़रिए सॉल्व करने में लगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की जो अहमियत है वो भारत नहीं दे रहा है तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद